मोहम्मद माज हुसैन है, मैं यहाँ पे बीएम में सेकेंड ईयर पढ़ रहा हूँ गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में। यहाँ पे हम लोगों का करीब एग्ज़ाम नवंबर 30 को ख़त्म हो गया और हम लोगों का रिजल्ट आता है मार्च 5 को, और रिजल्ट भी ऐसा आ रहा लाइक पूरा कंप्लीट है ही नहीं। हम लोगों की सेकेंड ईयर की स्ट्रेंथ है 75, उसमें से सिर्फ 32 मेंबर्स पास हुए हैं, बाकी के पूरे फेल है। लाइक के 43 जो फेल है, बाकी के पूरे फेल है। और उन लोगों को हम लोग ये पूछे अपील आके, और उसमें लिखा हुआ है कि आप लोग है ना कॉलेज में जाइए, ऑफिस में जाके बात करो। और जब हम लोग आके यहाँ पे पूछ रहे, प्रिंसिपल मैम ये बोल रहे कि तुम लोग इररेस्पॉन्सिबल है, तुम लोग नहीं पढ़े होंगे इसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया। जबकि और उन्होंने ये बोल रहे तुम बदअखलाकी कर रहे, आप लोग सही से बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ सस्पेंड कर देती हूँ बोले। मेरे पास पूरे पावर्स है प्रिंसिपल मैम के पास, मैं ये बोल रहे कि मेरे पास पूरे पावर्स है, जिसको चाहे मैं उसको सस्पेंड कर देती हूँ, पूरी बैच को ही सस्पेंड कर देती हूँ। तुम कहाँ तक जाते, सीएम तक जाते जाओ। जबकि हम लोगों को पढ़ाने वाले ये लोग हैं, हम लोगों का रिजल्ट के जिम्मेदार ये लोग हैं। अगर हम लोगों का रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो मैनेजमेंट सही नहीं पढ़ा रहा होगा। और ये बोल रहे कि अगर तुम लोग नालायक है, तुम लोग नाहेल है, तुम लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा, तो कौन हमको पढ़ाने वाला कौन है? यही तो स्टाफ है। और इवन हम लोगों की कौन सी भी बेसिक से बेसिक नीड्स हम लोग आके अपील करें तो इसी तरीके का हम लोग को रेस्पॉन्स मिलता है। और ये बोलते हैं कि जाओ तुम लोग को जो करना है कर लो, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। हम लोग वॉशरूम्स के लिए आए, जब से 2 साल से अपील कर रहे हैं हम लोग वॉशरूम्स के लिए, बॉयज़ के लिए वॉशरूम्स ही नहीं है। हम लोग मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में जाके 15 मिनट रुके यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए एक ही कॉमन वॉशरूम है, उसमें भी इतना गंदा है, आप लोग देखिए इतना गंदा है। उन लोगों को कुछ फैकल्टी की जरूरत है ही नहीं सफाई वगैरह। और अपने मेन जो मुद्दा है ये रिज़ल्ट के लिए है, जो रिज़ल्ट आया मार्च 5 को कल आया, और पूरा रिज़ल्ट है ही नहीं, सिर्फ इसमें ये है डिस्टिंक्शन में 3 मेंबर्स पास हुए, बाकी के फर्स्ट डिवीज़न में थे और सेकंड डिवीज़न में थे। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं, उन लोगों का नाम कहाँ है, उन लोगों के बारे में क्या है, उन लोगों के डिटेल्स क्या है? जब हम लोग यहाँ पे आके पूछ रहे तो ये बोल रहे कि सब्र करो, वेट करो, वेट करो। हम लोग 2-3 महीने से वेट कर रहे हैं। उन लोगों को पढ़ाने वाले लेक्चरर्स तो थोड़े लोग हैं, जो हम लोगों को रेगुलरली लेक्चरर्स जो आके हमारे क्लासेस लेते हैं बस, लेकिन बस ऐसे भी है जो सिर्फ बैठ कर या दूसरों को भेज देते हैं या पीजीज को भेज देते हैं, कुछ भी करते हैं। पर हम आपको ये लाइक रिजल्ट जो आया करा उसकी सही रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। हम आके जब बात कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि फैकल्टी नहीं रहने की वजह से ही हम लोगों की तालीम के ऊपर असर पड़ रहा है। और इवन हम लोग अपील भी करते गए कि हमारी फैकल्टी को बढ़ाओ, लाइक HODs को भिजाओ, असिस्टेंट या एसोसिएट्स को भिजाओ बोले, तो फिर भी हाँ आ जाते हैं कल आते बोलकर ऐसा डीले करते गए हैं। पर ये बोल रहे हैं कि हम लोग बेटर करेंगे, पर हम लोग बेटर यूनानी देख रहे ही नहीं, जबकि हमारे पूरे दुनिया में यूनानी माना जाना जाता है। लेकिन उसके लिए जो बढ़ रहा ने BUMS जो बढ़ रहा ने कोर्स बोले, तो असली वजह यही है कि हम लोगों को सही तरीके से तालीम ही नहीं दी जा रही। और जब बात करने आ रहे तो ये बोल रहे कि आप लोग जाओ जाके सीधा KNR यूनिवर्सिटी को रिफ़र करो। हम लोग स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं उन लोगों से अपील नहीं करेंगे यार, यहाँ से निकल के वरंगल तक जाएंगे, हम लोगों को पढ़ना है या कुछ करना है, हम लोग को तालीम ही सही नहीं दी जा रही, तो हम लोग उनको जाके क्या बोलेंगे? हमारा डिमांड ये है, जो रिज़ल्ट जो अब आया हम लोगों का सेकेंड ईयर का, वो इंतहाई ख़राब है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि KNR यूनिवर्सिटी इसके ऊपर गौर करे और देखे कि इतने बच्चे अचानक से कैसा फेल हो सकते हैं, पूरी 45 की स्ट्रेंथ फेल हो के है। और हम लोगों को मेमोज अभी तक नहीं आए, हम लोगों का जो फर्स्ट ईयर लिखे थे उसका मेमो सेकेंड ईयर के एंडिंग में आ रहा, और अगर हम लोगों को मेमो आया तो हम लोग देख सकते कि इसमें फेल हुए, इसको फिर से पढ़ना है। और उसके एक ही मंथ है हम लोगों को फिर से सप्लीमेंट्री के लिए, हम लोग रिवैल्यूएशन कब करना, रिकरेक्शन कब करना, पूरा साल इसमें ही गुजर जा रहा। आके अगर बात करें तो ये बोलते हैं कि तुम लोग को सस्पेंड कर देते, बल्कि धमकी दी जा रही, स्टूडेंट्स को धमकी दी जा रही। ये बोल रहे तुम्हारे पेरेंट्स को मौका वो कर लेते हैं, पेरेंट्स को बुला के झूठे बातें बोलकर पूरा रुला देते कर देते हैं, एक तमीज़ अखलाक रहते हैं। हम लोग इतना मोहब्बत से आके बात करें तो हमको ऐसी रेस्पॉन्स दे रहे, मेरे को खुद बोले कि जाओ तुम CM तक जाओ, मैं तुमको सस्पेंड कर रही हूँ बोले चुके थे, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट के लिए हम लोग अपील आके मैम को करें और बोले कि बस 30 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया, 45 स्टूडेंट्स का कुछ भी नहीं आया रिजल्ट, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे, तो हम लोग को ही बोल रहे कि सस्पेंड कर रहे थे मिसबिहेवियर की वजह से। लास्ट ईयर भी हम लोग का मेमो आके वेट करें, हम लोग पूरा सेकेंड ईयर पूरा एंड हो गया था, उसके बाद में हम लोग का मेमो आया, अब मेमो का वेट करो बोल रहे, और रिजल्ट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और हम लोग बोल रहे कि हम लोग नहीं क्या बोलते रिजल्ट से खुश नहीं है, हम लोग अच्छे से लिखे थे पेपर बोल, तो हम लोग बोल रहे आप लोग का स्टैंडर्ड नहीं है, आप लोग पढ़े नहीं, आप लोग पढ़ा रही, आप लोग का स्टैंडर्ड देख लो बोल रहे, आप लोग पढ़ाए तो ऑब्वियसली अच्छा पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट ईयर कितने की सारे लड़कियाँ और लड़के डिस्टिंक्शन में आए थे, लेकिन इस टाइम हम लोग बोल रहे तो हम लोग ही बोल रहे तुम लोग अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, तुम लोग का स्टैंडर्ड नहीं है, आप लोग पढ़ा रहे ना, फिर हम लोग का स्टैंडर्ड कैसा नहीं है, हम लोग पढ़ रहे कैसा नहीं। लेक्चरर्स फर्स्ट ईयर में अरबिकन मंतिक की एक क्लास नहीं हुई, हम लोग खुद से पढ़े, और बहुत सारे जिन्हें अरबिकन मंतिक में फेल हुए थे, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया कॉलेज वाले। हम लोग क्या करना, गवर्नमेंट अलॉट नहीं करी लेक्चरर्स बोले, अब हम लोग बेसिक नीड्स के लिए भी बोल रहे, तो हम लोग को बोल रहे कि हम लोग मिसबिहेवियर कर रहे। अब मेमो के लिए हम लोग अपील कर रहे, मेमो आया तो मालूम होता हम लोग को, तो तुम लोग कॉलेज को नहीं आते, स्टैंडर्ड नहीं है तुम लोग का पढ़ने का।